ओके ऑलराइट। सो जैसे उस दिन हमने जावा पढ़ी थी, तो जावा से पहले हमने थोड़ा सा ये डिस्कस किया था कि भाई वाई जावा, और हमने कंपैरिजंस की थी, सारी चीजें देखी थी। सही है, सर्टिफिकेशन में कोई कंपैरिजन नहीं होती। सही है, सर्टिफिकेशन इज द सर्टिफिकेशन। सही है, वो किसी भी चीज की हो। अच्छा, लेकिन हमें ये तो देखना चाहिए ना कि वाई सर्टिफिकेशन। सही है, अच्छा सर्टिफिकेशन के लिए लोग क्या कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, जरा हम उनके थोड़े से व्यूज पढ़ते हैं। सही है, अच्छा सवाल ये था कि इज इट वर्थ गेटिंग एन ओरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर फॉर जावा 6। सही है, क्यों, ये 2017 की बात है, तो ये सवाल है सर्टिफिकेशन का, ये जावा 6, 7, 8 का नहीं है। सही है, तो इस पे जो है कुछ ये खुद जो है सर्टिफाइड जावा डेवलपर्स हैं, ये क्या कह रहे हैं कि येस इट इज कंप्लीटली वर्थ। सही है, इट बिकॉज इट हेल्प्स यू बोथ इन जॉब एंड करियर। Here are a couple of benefits of being Java certification. सही है, Your certification gives a reason to recruiter to select you for interview among hundreds of job applicants of applicant of same level of experience. Let's say आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास भी 1 साल का एक्सपीरियंस है, अगले 90 बंदों के साथ भी 1 साल का एक्सपीरियंस है। सही है, ओके, नाउ आई एम द एचआर, मेरे पास 92 एप्लीकेशंस आए 1 साल के बंदे वाले। समझ रहे हैं आप? ठीक है, अच्छा लेकिन जब मैंने संजय की एप्लीकेशन को गो थ्रू किया, उसको सब कुछ सेम ही है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है संजय इज सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर। समझ रहे हैं आप? तो मैं देखूंगा यार ये सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर का मतलब है कि बंदे ने मेहनत भी की है, बंदे ने सर्टिफिकेशन पास भी की है, और इसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, जबकि इनाम के पास सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है। चलो यार संजय को बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए। समझ आई एक बात? ओके, दूसरी चीज, योर सर्टिफिकेशन गिव्स यू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ योर स्किल्स। सही है, व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम यू अंडरस्टैंड एंड लर्न जावा कॉन्सेप्ट्स व्हिच विल हेल्प यू टू क्लियर एनी रिटन टेस्ट फॉर इंटरव्यू। लेट सपोज, अब मैं आपसे देखें, आप जब काम करते हो कुछ और करते हो, जो पढ़ाई करते हो वो कुछ और करते हो। अब मैं आपको आपकी मिसाल दे दूं, आप 4 साल पढ़ के आ गए। सही है, लेकिन जब आप मार्केट में घुसे तो आपने देखा कि भाई यहाँ तो दुनिया ही दूसरी है। सही है, आप पढ़ते कुछ हो, आप एक्चुअल में कुछ करते हो। समझे, ऐसा ही कुछ है। सही है, अच्छा उसके बाद क्या होता है कि जब आप सर्टिफिकेशन की रिकॉग्नाइजेशन सॉरी सर्टिफिकेशन जब आप उसकी तैयारी कर रहे होते हो, आप पढ़ रहे होते हो, जैसे अभी आप लेक्चर ले रहे हो, अभी हम आगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है कि आपकी मुसलसल लर्निंग चल रही होती है। उस लर्निंग का फायदा ये होता है, लेट सपोज जैसे इनाम 1 साल से मार्केट में काम कर रहा है, आप भी 1 साल से मार्केट में काम भी कर रहे हो, लेकिन आप सर्टिफिकेशन की तैयारी भी कर रहे हो। सही है, तो क्या होता है कि आपकी जो लर्निंग होती है वो चल रही होती है। मैं सिर्फ ऑफिस में जॉब करता हूँ, आप ऑफिस में जॉब के साथ साथ सर्टिफिकेशन की तैयारी भी करते हैं, तो आपको बहुत बेसिक्स अच्छी अच्छी चीजें पता होती हैं। तो इवन ड्यूरिंग द सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग, मतलब आप अब दौरान सर्टिफिकेशन हो, आपने कंप्लीशन नहीं की है, लेट्स सपोज आप यहाँ पर मेरे पास सर्टिफिकेशन कर रहे हो, उसकी ट्रेनिंग ले रहे हो, आप अभी 2 महीने ही आप पढ़े हैं आप। सही है, अच्छा 2 महीने पढ़ने के फौरन बाद आपको इंटरव्यू कॉल आ गई, अभी आपने सर्टिफिकेशन नहीं दिए, आपको परेशानी नहीं होगी कि भाई मैं क्या पढ़ के जाऊं क्या नहीं पढ़ के जाऊं, आपको आधी जावा सर्टिफिकेशन क्लियर्ड होगी, उसमें सारी चीजें आपको पता होगी, आपकी तैयारी 90% आपके पास होगी बिफोर द इंटरव्यू कॉल। ऐसा ही है, ओके दूसरी चीज, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस अबाउट योर जावा स्किल्स, डेफिनेटली बेटर पे एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। आगे देखते हैं, ये कह रहा है माई एक्सपीरियंस इन यूरोप इज दैट विथ मोर डेवलपर्स चेजिंग फ्यूअर जॉब्स, हैविंग द OCGP माइट गेट यूर थ्रू द डोर, आई मीन ह्यूमन रिसोर्स कैन टिक द बॉक्स। अब आ रही आवाज? ये आपके पास आपके पास आपके पास इंटरनेट का मसला है। वेट करें वेट करें वेट करें शायद। ओके, अब आवाज भी सही आ रही है। ठीक है जी, अच्छा ये कह रहा है कि माई एक्सपीरियंस इन यूरोप इज दैट विथ मोर डेवलपर्स चेजिंग फ्योर जॉब्स, हैविंग द OCGP माइट गेट यू थ्रू द डोर बट यू स्टिल हैव टू पास द इंटरव्यू। ये क्या कह रहा है पता है? ये कह रहा है कि भाई
मेरे पास जॉब ओपनिंग्स दो हैं, लेकिन मेरे पास सीवीज आई हुई है 50। सही है। तो क्या होता है सर्टिफिकेशन का एक दूसरा फायदा, कि जैसे मैंने आपको कहा कि जब बंदा देखेगा कि भाई सर्टिफाइड बंदा है, तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं उस जॉब को लेने के लिए। लेकिन ये कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल जाएगी, यू स्टिल हैव टू पास द इंटरव्यू, लेकिन आपको कॉल आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? अच्छा, ये कह रहा है कि ऑन अ पर्सनल नोट आई सेट द इक्विवेलेंट एग्जाम इन 2003, बट ऑफ द अबोव एंड आई मस्ट से दैट आई लर्न सम न्यू थिंग्स इवन दो आई हैड कोडिंग कोडेड इन जावा सिंस 1996। जब से जावा पैदा हुई तब से बंदा कोडिंग कर रहा है, लेकिन 2003 में उसने सर्टिफिकेशन की है, और उस सर्टिफिकेशन का फायदा उसको ये हुआ है कि 1996 से 2003 तक जितना उसने काम किया है, लेकिन सर्टिफिकेशन करने के दौरान, पढ़ने के दौरान उसको ऐसी ऐसी चीजें उसने देखी हैं, पढ़ी हैं, जो उसको पता ही नहीं थी। सही है। उसमें कह रहा है टॉप लाइन, स्टडाइंग टुवर्ड्स अ गोल इज ऑलवेज वर्थ वाइल। सही है। ये कह रहा है कि जब भी आप एक सामने गोल रख के पढ़ाई करते हो, जैसे आपने मुझे कहा था ना यार, सर घर में लेजीनेस होती है, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, याद है आपको? लेजीनेस की होती है वो, आगे गोल नहीं दिख रहा होता। लेकिन जब मैंने आपको बताया यार ये आप गोल रखो, ये पढ़ो, ये करो, और वहां से ऐसे आप उठे कि भाई कोर जावा भी पढ़नी है, वेब भी पढ़नी है, ओसीए भी करनी है, बस मतलब तबाह कर देना है पूरी दुनिया को, इस तरह का आपका एक मोटिवेशन हो गया। ऐसा ही कुछ है या नहीं है? सही है। ये टॉप लाइन। बॉटम लाइन में क्या कह रहा है? ओसीजेपी स्टिल नीड्स टू बी बैकड अप बाय हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। जैसे मैंने आपको कहा था कि देखो, एक चीज होती है मार्केट में देखना क्या चल रहा है, दूसरी चीज होती है पढ़ाई करना, वो दोनों डिफरेंस होती है। सही है। ये कह रहा है कि भाई मैं 1996 से कोडिंग कर रहा हूँ, 2003 में मैंने सर्टिफिकेशन दी है, लेकिन मैंने बहुत अच्छी चीजें सीखी हैं, और जब आप कोई भी गोल रख के जब पढ़ते हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन 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 इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस ना हो और आप सर्टिफिकेशन करो और आपके पास जॉब मिल जाए। सही है। कहने का इसका मकसद ये है कि दोनों चीजें अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी होती हैं। जॉब लेना मकसद होता है, उस जॉब लेने के मकसद को वो करने के लिए, जो जॉब लेने का आपका मकसद होता है उसको जल्दी से लेने के लिए, कॉम्पिटेंट बनने के लिए, कंपटीशन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें दरकार होती हैं, उनमें ये सर्टिफिकेशन भी आती है। अच्छा, चेंज हो गई स्लाइड आपके पास? ओके। ये कह रहा है माय पर्सनल ओपिनियन इट्स वर्थ इट इफ यू हैव द मनी एंड द टाइम। मनी के लिए इस वजह से बोल रहा है, ये सर्टिफिकेशन थोड़ी सी पैसों की होती है, जाहिर है 25,000 की सर्टिफिकेशन है, जब तक हम दे रहे होंगे चाहे 27-28 हज़ार की हो जाए, जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है, उसके बाद अगर इनकेस पासिंग मार्क्स 60 होती हैं, लेकिन इनकेस फिर भी बंदा फेल हो जाता है, दिमाग काम नहीं कर रहा, फिर आपको दोबारा देनी पड़ती है। सही है। तो ये अगर आपके पास पैसा है, समझते हैं आप, और आपके पास टाइम है, इट नीड्स टाइम, ये टाइम चाहिए होता है, ये सर्टिफिकेशन ऐसे नहीं निकलती। Why preparing for the exam makes you learn some details of language. Merely getting the cert so you could get a job seems pointless to me. A more interesting certification might be Oracle Certified Master Java Developer, which requires you to develop a simple app end to end. This helps the guy with no experience a lot. The experienced guy would have gathered enough confidence to know he does not need certification to get a job. ये दोनों बातें कर रहा है। ये कह रहा है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ये वाली सर्टिफिकेशन ना करो, अगर आप ये वाली दूसरी सर्टिफिकेशन, कह रहा है ये ओरेकल सर्टिफाइड मास्टर जावा डेवलपर है। अच्छा, ये कह रहा है बेसिकली कि अगर आपके पास जॉब है अच्छी खासी तो आप सर्टिफिकेशन ये वाली ना करें, लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है और आपके पास टाइम है, आपके पास मनी है, तो ये वाली सर्टिफिकेशन करें। इसको अगर पॉजिटिव वे में लिया जाए तो ये कहना चाह रहा है बेसिकली, इस वक्त जो अगर मैं सिचुएशन वही आपके पास आपके साथ कंपेयर करूं, तो ये आपको कहना चाह रहा है कि गो फॉर इट। ओके, ऑल राइट। अब थोड़ा सा समझ आया लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में और इसकी सारी चीजों के बारे में। ओके। अच्छा, ओरेकल सर्टिफिकेशन ये आपको ओरेकल की साइट से मिल जाएंगे,
ये कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस होती हैं और इनके एग्जाम नंबर क्या है। देखो, एक होती है जावा फाउंडेशन सर्टिफाइड जूनियर एसोसिएट, ये भी आप कर सकते हो। जावा 8 प्रोग्रामर की ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट, ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल कर सकते हो। अगर आपने जावा 6 तक सर्टिफिकेशन की हुई है तो उसको आप दोबारा सर्टिफिकेशन देके अपग्रेड कर सकते हो। जावा AC11 की सर्टिफिकेशन कर सकते हो प्रोफेशनल, 4 प्रोफेशनल उसकी सर्टिफिकेशंस हैं। कोई जावा AC प्रोग्रामर कोई 8 से आ रहा है या 6 7 से आ रहा है या 11 डायरेक्ट वो कर रहा है। उसके बाद ये देखें, जब सारी हो जाती है आपकी AC की सारी का मतलब इनमें से दो कोई भी, तब वो कह रहा है जावा EE, नजर आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये प्री रिक्विजिट है कि इनमें से कोई भी दो करके फिर आप नीचे आ सकते हैं। फिर जावा EE से नहीं, ये इट डिपेंड्स, हम जिस की तरफ जा रहे हैं वो इन दोनों की तरफ जा रहे हैं, ये दो। जूनियर की हमें जरूरत नहीं है, जूनियर की आजकल वो नहीं है। मतलब अगर आपने जूनियर सर्टिफिकेशन कर भी दी और CV पे लिख दिया उस पे, तो मतलब ये कोई भी मतलब इसका कहने का मकसद ये होगा कि भाई ये तो कोई भी बंदा कर सकता है, तुमने कौन सी मतलब इसमें तीर मार लिया। तो ये आती है ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट, ये ऐसा होता है भाई आपने तीर वाकई मारा है। सभी समझ रहे हैं आप? सही है, आपको अभी जितनी जावा आती है आप सर्टिफिकेशन देखे आ जाए आप पास हो जाएंगे, आई नो। सही है, तो इसमें आपको जितनी जावा आती है, अगर उसमें आपको जॉब नहीं मिल रही सर्टिफिकेशन हो जाती है, तो मैं भी आपसे सवाल करूंगा भाई आपने क्या तीर मार लिया इसमें, समझ रहे हैं आप? तो हम इन दोनों की तरफ जाएंगे, इन दोनों के बाद हम नीचे देखेंगे। तो ओरिकल सर्टिफाइड एसोसिएट विथ जावा 8 या जावा 11, सही है। तो ये जो जावा ये बेसिकली ये लॉन्ग टर्म सपोर्टेड वर्जन है, ये मार्केट वर्जन से जावा के, ये हम आगे थोड़ी सी वर्जनिंग इनकी देखते हैं, ठीक है? ओके, अच्छा, जावा वर्जन्स पे की तरफ आते हैं। ये देखें, ये उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। जावा Beta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी जो आने वाली है वो Java 14 आने वाली है मार्च में, और Java 17 तक का उनका जो रिलीज प्लान है वो सितंबर 2021 तक है। अच्छा, आपको दो जगहों पे LTS नजर आ रहा होगा, Java 11 और Java 8 में ऐसा है, और आपने सर्टिफिकेशन में भी इन दोनों के नाम देखे थे, ठीक है? अच्छा, ये LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ये वो होता है जो जावा का सबसे अच्छा मार्केट में चलने वाला स्टेबल्ड वर्जन होता है, जिनके बग्स रिपोर्टेड नहीं होते या बहुत ही कम होते हैं। बाकी जो भी वर्जन्स होते हैं ना, वो बनाते हुए आते हैं और जाके एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट और स्टेबल वर्जन के साथ पहुंचते हैं। लेट सपोज मैं आपको मिसाल दूं, 1995 से जावा बनती हुई आई आई लेकिन क्या हुआ कि भाई फेब्रवरी में रिलीज हुई, अक्टूबर में बदम खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि इसके इतने ज्यादा एरर्स लोगों ने रिपोर्ट की कि उन्होंने जल्दी से नया वर्जन लॉन्च किया, फिर वो खत्म कर दिया 2009 में, फिर 2006 में ये बना के पेश कर दी थी, वो बंद कर दी, ये पेश कर दी, ये बंद कर दी। ये मार्च 2014 में आ गई, इसमें स्टेबिलिटी इतनी हो गई कि जनवरी 2019 तक ओरेकल ने सपोर्ट दी, फिर दिसंबर 2020 तक ओरेकल ने पर्सनल यूज की सपोर्ट दी, फिर 2023 तक एडोब ओपन JDK ने सपोर्ट दी, फिर जून 2023 तक अमेजोन कोरेटो ने सपोर्ट दी, और इवन इन्होंने कहा है कि हम एक्सटेंड करेंगे 2025 तक। सही है, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर 9 आई, 9 में बहुत नई चीजें आ गई भाई मार्केट में, नहीं चली। फिर भाई 10 में आ गई, फिर 11, 11 जो है मार्केट में चल गई, स्टेबल्ड वर्जन उनका हो गया। सही है, उसके बाद फिर उन्होंने नई चीजें, देखें अपडेट आप जब भी करते हो कोई चीज, एक नई चीज लाते हो उसमें। सही है, जब नई चीज आती है तो फिर डेवलप, अब लेट सपोज मैं आपको मिसाल दे दूं, आजकल आपकी मोबाइल में कौन सा एंड्रॉयड चल रहा है वर्जन? ओहो, आईफोन आपके पास है। चलें, अगर अगर हम तो सारे एंड्रॉयड यूजर्स हैं, तो एंड्रॉयड में अगर देखा जाए तो कुछ, कोई पता है आपको कोई मशहूर वर्जन हो शायद? नहीं, उससे पहले आ जाएं, बिल्कुल शुरुआत में आ जाएं, कोई शुरू वाला कोई वर्जन जो बहुत ही चला हो, बहुत ही मशहूर हो, आपने सुना हो। जेली बीन का नाम सुना है आपने? जेली बीन,
बहुत ही स्टेबल वर्जन था, बहुत ही स्टेबल वर्जन था, याद है आपको? बहुत नाम हुआ था जेली बीन का, सही है। वो इवन 4 वर्जन था, आजकल 10 आ गया है, लेकिन उस 4 का नाम क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही स्टेबल वर्जन था। उसके बाद जावा 8 कह रहा हूँ, जो एंड्रॉयड 8 है वो अच्छा स्टेबल वर्जन है 4 के बाद, सही है। बाकी बीच में तो ये आते गए आते गए आते गए, मतलब जल्दी जल्दी से आते गए, और अब एंड्रॉयड 10 आ गया है। अब अच्छा, एक ये मिसाल हो गई। दूसरी दूसरी मैं आपको मिसाल देता हूँ। एमएस ऑफिस आप कौन सा यूज करते हैं ज्यादातर? मतलब एक ऐसा वर्जन मुझे बताएं जो आपने बहुत सुना हो, बहुत चला हो, हर ऑफिसेज में आपने अक्सर देखा हो। 2007, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो ऑफिस का बहुत ही अच्छा स्टेबल्ड वर्जन था, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत ही, जब स्टेबल वर्जन का मतलब ये होता है कि बहुत ही मैच्योर वर्जन होता है, इसमें बहुत ही सपोर्ट होती है, उसके अलावा जो बग्स की कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो इसी तरह जो जावा 8 और जावा 11 है उसमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, वो स्टेबल्ड वर्जन है। इवन हम भी ऑफिस में अभी तक जावा 8 यूज करते थे, अभी 2 महीने पहले हम जावा 11 पे आए हैं, सही है। ऑलराइट, सो दीज आर कॉल्ड द स्टेबल वर्जन्स, और स्टेबल वर्जन में ही सर्टिफिकेशन हो सकती है, बाकी किसी वर्जन में इस तरह से नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा होता है कि जावा 8 तक आए तो जावा 7 और जावा 8 तक सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, जावा 11 तक आए तो जावा 9 जावा 10 में देखना पड़ेगा क्या नया है, और जावा AC 11 में क्या नया है। 4 5 चीजें नई आती रहती हैं, 5 6 चीजें नई आती रहती हैं हर रिलीज के ऊपर, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जावा 9 और 10 में ऐसा क्या था जो अच्छा नहीं था, फिर जावा 11 में वो अच्छा होके आ गया, सही है। तो ये क्या होता है कि पहले हम जरा जावा को सीख ले, जावा 7 तक देख ले हम कि भाई जावा 7 तक क्या चीज है, उसके बाद आप आके देखते हो भाई 8 की करनी है क्या 11 की करनी है, या जब तक हम कर रहे हो सकता है जावा 13 को ये स्टेबल वर्जन कर दें, ठीक है। ऑलराइट, आगे हम जरा चलते हैं। देखिए, अब वर्जनिंग भी हो गई, अब हमने सर्टिफिकेशंस भी देख ली, अब हमें J2EE, J2SE, J2ME का पता चल गया, हमने जावा के वर्जन देखे, हमने ये देखा कि भाई सर्टिफिकेशंस जो होती हैं वो उसके लिए लोग क्या कहते हैं, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता करके इस सर्टिफिकेशन के टॉपिक्स पे आ रही हैं, सही है, सही है। ऑलराइट, उसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक अभी उठा रहे हैं वो, इसमें मतलब ये गारंटी नहीं है कि चारों के चारों हम आज कंप्लीट करेंगे, इसकी गारंटी होती है कि जो मैं स्लाइड्स बनाता हूँ उन स्लाइड्स में मैं ये चारों टॉपिक्स रख लेता हूँ, वो 1 लेक्चर चला 2 लेक्चर चला 3 लेक्चर चला या 4 लेक्चर चला, वो उस पर होता है, सही है, टाइमिंग के हिसाब से हम देखते हैं। अच्छा, टॉपिक्स के अंदर अच्छा, आगे चल के जिस जिस तरह से आप फ्लेक्सिबल होते जाओगे, फ्लेक्सिबल का मतलब ये कि आपको चीजें पता होंगी, आप बहुत मतलब सीखते जाओगे, आप बहुत गेन करते जाओगे, आप समझते जाओगे, आप एक्टिव रहोगे, तो वो 1.5 घंटे वाली क्लास हम 2 घंटे में कर लेंगे, 2 घंटे तक भी कर लेंगे, क्योंकि हम फिर उसमें डिस्कशंस करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। एक्सरसाइजेस आज के क्लास में भी हैं क्योंकि ये एक्चुअल टॉपिक्स हैं, सही है। तो अब वो वाली डिस्कशन हो गई सर्टिफिकेशन की, क्यों क्या कब ये वो सारी चीजें। अच्छा, एक और चीज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी, वो है ये आउटलाइन। बेसिकली ये चैप्टर वाइज आउटलाइन है, सही है। ये सही है, जावा 8 SE एग्जाम टॉपिक्स, ये चैप्टर वाइज जो है आउटलाइन है, लेकिन हम चलेंगे इसी आउटलाइन पे, लेकिन हमारी मेरी जो आउटलाइन होती है वो इस तरह नहीं होती कि भाई इसमें ये टॉपिक पहले चैप्टर में ये कह रहा है तो यहाँ मैं पहले चैप्टर में पढ़ा दूँ, भाई ये हो सकता है ये वाली चीज मैं आपको चैप्टर 5 में पढ़ा दूँ, लेक्चर 6 में पढ़ा दूँ, तो सही है। लेकिन ये होती है कि ये सारी वो सारी चीजें जिनका चैप्टर 6 तक ये जावा 8 की ऑफिशियल जो समझ लेके आउटलाइन है कि इसी में से ही एग्जाम आता है, ठीक है। मैं आपको ये शेयर, नहीं, मेरी साइट नहीं बनी हुई यार। क्या कह रहे हैं? इन टॉपिक्स में से आते हैं, इसके बाहर नहीं आते।
ओके यू मैंने शेयर कर दी आपसे. ऑलराइट, सो मूविंग फॉरवर्ड फाय द आइडेंटिफायर्स, तो हम उसके बाद देखेंगे रिजर्व वर्ड्स, फिर डेटा टाइप्स, फिर लिटरल्स. सही है, ये हमारा शायद चैप्टर वन है जिसको मैं कहता हूँ फाउंडेशन या लैंग्वेज फंडामेंटल्स. उसके पहले चार टॉपिक्स हैं. सही है, मैं ज़रा आउटलाइन भी ओपन कर लूँ. राइट, सही है, ये चैप्टर वन लैंग्वेज फंडामेंटल्स, जावा आइडेंटिफायर, रिजर्व वर्ड्स, डेटा टाइप्स एंड लिटरल्स. ये पहले चार टॉपिक्स हैं, पहले सात टॉपिक्स में से. सही है, जो मैं पहली स्लाइड बनी हुई है मेरे पास. ओके ऑलराइट, सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द आइडेंटिफायर्स. अब हम जरा प्रोग्रामिंग की तरफ नहीं, मतलब डिटेल्स एंड प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं. तो हम यहां पर देखते हैं कि भाई व्हाट आर द आइडेंटिफायर्स. ओके, व्हाट इज आइडेंटिफायर? अ नेम इन जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड एन आइडेंटिफायर व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस. सही है, इट कैन बी मेथड नेम, क्लास और लेबल नेम. सही, लेबल मतलब वेरिएबल वगैरह जो हो गए. ठीक है, ये अपने पास लिख ले, इसको लिखना भी है और समझना भी है, क्योंकि आगे नीचे जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसमें मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं. और ये वाला प्रोग्राम भी नीचे लिख ले, और फिर मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा फिर हम इसमें टिक करते जाएंगे, मार्क करते जाएंगे. ओके अच्छा देखो, आइडेंटिफाई क्या होता है? इट कैन बी अ नेम, विच नेम? अ मेथड नेम, अ क्लास नेम, अ वेरिएबल नेम. सही है. अच्छा, अब ये तीन लाइन का प्रोग्राम है, इसमें मुझे जरा गिन के बताएं कितने आइडेंटिफायर्स आपको नजर आ रहे हैं. तीन हो गए. दोबारा देखिए जरा, यही तो फर्क होता है, एक नॉर्मल डेवलपर देखता है फिर जब एक ओसीए प्रोग्रामर देखता है. इसको जरा ओसीए के प्रोग्रामर की नजर से और डेफिनेशन को समझ के देखें. इट कैन बी मेथड नेम, इट कैन बी क्लास नेम, इट कैन बी लेबल नेम मीन्स मेथड नेम, ओ सॉरी वेरिएबल नेम. सही है, सही है. अच्छा, टेस्टिंग आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि वो क्लास का नाम है. मेन आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि वो किसका नाम है? मेथड का नाम है. एक्स आपकी बात सही है क्योंकि वो वेरिएबल का नाम है. अब जरा इन तीनों के ऊपर आपने जहां प्रोग्राम अपना लिखा है, दोनों तीनों के ऊपर बॉक्स कर दें कि भाई ये तीन आइडेंटिफायर्स हैं. सही है. अच्छा, जरा मुझे ये बताएं व्हाट इज स्ट्रिंग, अगर मैं आपसे पूछता हूं. क्या ये आइडेंटिफायर नहीं हुआ? लेट्स सपोज मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज टेस्टिंग,
टेस्टिंग क्या है इधर, वॉट इज स्ट्रिंग, चलो क्लास समझ लो, मेथड समझ लो, स्ट्रिंग इज अ क्लास नॉट अ मेथड, समझ आ रहा है कुछ? नहीं, हमने पढ़ा है डेटा टाइप्स के उसमें लेक्चर्स में कि स्ट्रिंग इज अ क्लास, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा अब जरा मुझे आप ये बताएं, अगर मैंने लिखा इंट एक्स इक्वल्स टू 10, तो आपने कहा कि एक्स इज एन आइडेंटिफायर, सही है? अगर मैं यहां पर लिखता हूं स्ट्रिंग ए आर जी, तो क्या ए आर जी आइडेंटिफायर नहीं होगा? स्ट्रिंग इज अ क्लास नेम, ए आर जी इज अ वेरिएबल नेम, दोनों हो गए। लेट से मैं एक दूसरे क्लास में हूं, मैं लिखता हूं टेस्टिंग टी, सही है? व्हाट इज टेस्टिंग? ठीक है, क्लास नेम है, तो क्या वो आइडेंटिफायर हो गया? सही है। आपसे पूछता हूं व्हाट इज टी, टी इज अ वेरिएबल ऑफ दैट क्लास, ऐसा ही है? क्या वो आइडेंटिफायर हुआ नहीं हुआ? वो दोनों हो गए, क्यों? क्योंकि देखो आइडेंटिफायर कह रहा है कि क्लास का नाम भी हो सकता है, वेरिएबल का नाम भी हो सकता है। जो टेस्टिंग है वो क्लास का नाम है। लेट सपोज मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान है, आप संजय हो, मैं इनाम हूं, सही है? टेस्टिंग भी क्लास है, स्ट्रिंग भी क्लास है, टेस्टिंग उस क्लास का नाम है, स्ट्रिंग भी एक क्लास का नाम है, समझ रहे हैं आप? सही है। अच्छा एक और चीज मैं आपको यहीं पे ही वो करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। आपके निकनेम्स होते हैं या आपके घर में जो लोग आपको बुलाते हैं वो किसी एक नाम से बुलाते हैं, सही है? ऐसा ही। अच्छा वो बेसिकली क्या होता है, वो वेरिएबल होता है, वो बेसिकली कॉल आपको ही कर रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे तरीके से, एक वेरिएबल बना के, क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो हम वेरिएबल्स और इंस्टेंसेस बनाए बगैर हम कॉल नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप? अगर मैं बोलूं कि संजय एस ए, सिर्फ लिखूं संजय इज अ नेम ऑफ अ ह्यूमन एंड एस ए इज निकनेम ऑफ संजय, समझ रहे हैं आप? आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है कि पहचानना, सही है? आइडेंटिफायर क्या होता है जावा के अंदर, पहचान किसी भी चीज की, इट कैन बी ए पहचान ऑफ क्लास, इट कैन बी ए पहचान ऑफ वेरिएबल, इट कैन बी अ पहचान आइडेंटिटी ऑफ अ मेथड, सही है? टेस्टिंग इज अ नेम ऑफ अ क्लास, मेन इज द नेम ऑफ अ मेथड, स्ट्रिंग इज अ नेम ऑफ अ क्लास, आर्ग इज नेम ऑफ अ वेरिएबल, एक्स इज नेम ऑफ अ वेरिएबल, इसमें पांच आइडेंटिफायर्स हुए। देखें स्ट्रिंग जो है वो प्री डिफाइंड जावा की क्लास है लेकिन बेसिकली नाम तो एक क्लास का ही है ना। देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है, ऊपर डेफिनेशन पढ़े, अ नेम इन जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर विच कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, इट कैन बी मेथड नेम, क्लास नेम और लेबल नेम। तो ये थोड़ी कह रहा है कि जो जावा का क्लास है उसका जो है उसका नाम आइडेंटिफायर नहीं होगा, उसका नाम भी आइडेंटिफायर होगा और उस क्लास का जो वेरिएबल होगा वो भी आइडेंटिफायर होगा। कुछ सही है, अब कुछ समझ आ रहा है कि इस ये क्यों बोला मैंने या ये इसका क्या मतलब है? बिल्कुल समझ गए, आगे चले। ये क्या हो गया, ये आइडेंटिफायर को जरा डीपली समझना हो गया, सही है, कि आइडेंटिफायर होता क्या है। चले आगे चलते, इसमें वही थे टेस्ट मेन स्ट्रिंग ऑर्ग एक्स। अब जरा ये वाली क्लास अपने पास लिख लें और उसमें बॉक्सेस बना दीजिएगा स्ट्रिंग और ऑर्ग के, सही है? अच्छा अब जरा मुझे इस पहले ये वाली क्लास लिखें और ये वाली पूरी लिख लें, ये वाला पूरा प्रोग्राम लिख लें अपने पास।
अच्छा आपको ये बताया ना आइडेंटिफिकेशन में कि जो क्लास का नाम होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड अगर देखा जाए, अगर आपको ये नहीं पता कि इट इज अ क्लास और मेथड, तो क्लास का नाम अपर केस से स्टार्ट होता है और मेथड का नाम लोअर केस से स्टार्ट होता है। ये आपको याद है चीजें? ओके ओके ठीक है, क्योंकि ये चीज इसमें पता होना जरूरी है तभी मिलेगा। अब ये लिखने के बाद आप पहले इसमें देखें, फिर उनके बॉक्सेस बना लें और फिर मुझे बताएं कि इसमें कौन कौन से आपको आइडेंटिफायर्स नजर आए, आप आइडेंटिफायर्स मिले आपको। आपने लिखी है ये वाला? ओके, अब लाइन बाय लाइन चलते हैं। पहली लाइन में आपको कोई आइडेंटिफायर दिखा? ओके, सेकंड लाइन में? ठीक है, थर्ड लाइन में? ठीक है, अब मेथड में आ जाते हैं नीचे। उसकी पहली लाइन में आपको कोई आइडेंटिफायर दिखा? ठीक है, बस बस क्लास नेम अपर केस से स्टार्ट होती है या लोअर केस से? बूलियन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर बूलियन बूलियन जो है वो एज अ क्लास है और बूलियन इज द नेम ऑफ अ क्लास। ठीक है, ट्रिक है जो सर ने आपके साथ खेल ली। सही है? नहीं, मैंने पहले ही एक सवाल पूछा था आपसे, याद है आपको? नहीं, हाँ ये बूलियन क्लास है, ये डेटा टाइप नहीं है। ये सारे जो डेटा टाइप्स होते हैं इसके क्लासेस होते हैं पूरे। ये चार हो गए। अच्छा, उसके नीचे वाली लाइन पे आ जाएं जरा, कितने हैं? नहीं, गलत है ये। चले, सही कर दिया। और बताएं। और बताएं। आइडेंटिफायर किसको कहते हैं, जरा दोबारा बताएं। सही
सही है। मेरा आप दोबारा वही सवाल है कि क्लास नेम अपर केस से स्टार्ट होता है या लोअर केस से? सही, आपको कोई क्लास यहाँ नजर आ रही है? ऑब्जेक्ट्स इज अ नेम ऑफ द क्लास। सही है। अच्छा, स्टैटिक मेथड का पता है? भले प्री डिफाइंड है, इट्स अ क्लास, मैंने पहले भी कहा स्ट्रिंग इज अ प्री डिफाइंड। मैंने क्या कहा था यहाँ, मैं आपको ये थोड़ी बताने वाला हूँ कि ये वो वाली जो क्लास है, आपको कैसे पता लगेगा कि दिस इज द क्लास? जो भी चीज अपर केस से स्टार्ट हो रही है, दिस इज द क्लास। समझ रहे हैं आप? देखो, जब आप जावा की ओसीए के टेस्ट में जाओगे तो क्या आपको सारी याद करके जाओगे कि भाई ये वाली जो है जावा की क्लास है? नहीं है, जावा की क्लास है ये वाली है, ये तो मैंने पढ़ी नहीं थी। आप ऐसे तो नहीं कहोगे। सही है, वहां कोई भी क्लास का नाम आ जाए प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड आपकी 10,000 क्लासेस है जावा के अंदर, सारी पढ़ के जाएंगे आप। आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास की स्टार्टिंग पॉइंट स्टैंडर्ड क्या होती है, मेथड की स्टार्टिंग पॉइंट स्टैंडर्ड क्या होती है। सही है। ऑब्जेक्ट्स आपका आइडेंटिफायर हो गया, वैल्यू आपका आइडेंटिफायर हो गया, और ये जो बीच में नॉन नल लिखा हुआ है ये क्या है? ए? हेलो जी, ये जो बीच में नॉन नल लिखा हुआ ये क्या है? संजय जावा भूल गए हैं आप, स्टैटिक मेथड याद है? स्टैटिक मेथड क्लास के नाम से स्टार्ट होता है विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। नॉन नल इज द नेम ऑफ द वेरिएबल दैट इज स्टैटिक। ये आपको चीजें रूल्स एंड रेगुलेशन से पता चल सकती हैं। ऑब्जेक्ट्स इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर केस, दैट मीन्स इट इज द क्लास। इफ दिस इज द क्लास दैट मीन्स इट इज द आइडेंटिफायर। नॉन नल विथ ब्रैकेट्स, दैट मीन्स ब्रैकेट्स आर अवेलेबिलिटी ऑफ द मेथड। एंड इफ दिस इज स्टार्टिंग विथ लोअर केस, दैट मीन्स इट इज मेथड। एंड इफ इट इज स्टार्टिंग विद द क्लास नेम, आई मीन क्लास इज कॉलिंग दैट मेथड डायरेक्टली, ऑब्जेक्ट्स डॉट नॉन नल, दैट मीन्स दिस इज द स्टेटिक मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लास। ऑलराइट, सो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट्स इज अ क्लास नेम, दैट इज एन आइडेंटिफायर। नॉन नल इज अ मेथड नेम, दैट इज स्टेटिक मेथड इन ऑब्जेक्ट्स क्लास, एंड दैट इज द मेथड नेम ऑफ द मेथड, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर। वैल्यू, वैल्यू इज स्टार्टिंग विद द लोअर केस विदाउट एनी ब्रैकेट्स, दैट मीन्स वैल्यू इज अ वेरिएबल एंड इज अ वेरिएबल अवेलेबल देयर स्ट्रिंग वैल्यू, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर। ठीक है, तीन चीजें बॉक्स को क्लिक कर लें, उससे नीचे वाली लाइन पे आ जाएं, कितने आइडेंटिफायर्स हैं? अलग अलग है ना, अलग अलग है ना। सही है। और व्हाट इज फर्स्ट करेक्टर हेयर? ऊपर आपने बता दिया कि इंट, हाँ, तो वेरिएबल क्या होता है? आइडेंटिफायर होता है, नहीं होता? कितने हो गए इसमें? तीन। फर्स्ट करेक्टर, देन वैल्यू, देन करेक्टर 8। दो वेरिएबल्स हैं इसमें और एक मेथड है। अच्छा, नीचे आ जाएं, नीचे वाली इफ की कंडीशन के अंदर बताएं मुझे। जी
दो हैं, दोनों फर्स्ट करेक्टर हैं, दोनों आइडेंटिफायर्स हैं, दोनों ही होंगे ना जाहिर है। सही है। ऑलराइट, सो इट मींस टेस्टिंग मेन स्ट्रिंग अर्ग 4 x 5 ऊपर हो गए, और बूलियन डिटरमाइन स्ट्रिंग स्ट्रिंग वैल्यू ऑब्जेक्ट्स नॉन नल वैल्यू फर्स्ट करेक्टर वैल्यू 4 8 फर्स्ट करेक्टर 12 आइडेंटिफायर्स नीचे मेथड में होंगे। सही है, इनको बॉक्स कर दें आप कि ये आइडेंटिफायर्स हैं। अच्छा, नीचे अब एक्सरसाइज लिख लें। एक्सरसाइज में क्या करना है, आपने एक जावा की क्लास बनानी है पूरी इसी तरह जिस तरह से ये बनी हुई है। इसमें कोई मेथड यूज करें, कुछ भी यूज करें, एसओपी यूज करें, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे 22 आइडेंटिफायर्स चाहिए उस क्लास के अंदर। 22 से एक कम ना हो, एक ज्यादा ना हो। अब वो आप कैसे भी यूज करें, आपकी मर्जी है। उसमें जब मैं आइडेंटिफायर्स गिनूं तो मुझे 22 मिले बस। हाँ, कोई भी प्रोग्राम बनाए, मतलब जिस तरह ये प्रोग्राम बना हुआ है, इसमें कितने आइडेंटिफायर्स हो गए, 12 13 14 15 16 17 17 आइडेंटिफायर्स हो गए। सही है, इस तरह का कोई मुझे और प्रोग्राम चाहिए जिसमें 22 आइडेंटिफायर्स हो, 22 आइडेंटिफायर्स के साथ मुझे एक प्रोग्राम बनवाना है आपसे। ओके अच्छा, क्या कह रहे हैं? एग्जीक्यूटेबल क्लास भले डॉट जावा करके आप मुझे भेजें या डॉट txt फाइल में रख के भेज दें, नो इश्यूज। भले रन हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब रन का नहीं मतलब यह है कि आप जो है वो नोटपैड प्लस प्लस में अगर आप लिख रहे हो इन केस, तो आप वो मुझे वहां से भेज दो, तो उसको मतलब एग्जीक्यूटेबल हो, ऐसा ना हो कि उसमें एरर्स हो। एग्जीक्यूटेबल तो होना चाहिए ना क्लास, वो मैं चला के अगर रन करना चाहूँ तो वो चल जाए, भले उसका कोई आउटपुट ना आए। जैसे इस क्लास का कोई आउटपुट है, कोई भी नहीं आएगा आउटपुट इस क्लास में, लेकिन ये एग्जीक्यूटेबल है। सही है, ऑलराइट। मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं आपको जरा रूल्स बता देता हूँ। जब भी आप एक आइडेंटिफायर डिफाइन करते हैं तो उसके जरा कुछ रूल्स आपको जहन में रखने होते हैं। उसके 5 छोटे से रूल्स हैं। पहला नंबर रूल ये है कि जब भी आप आइडेंटिफायर बनाओगे तो उसमें सॉरी, अच्छा 1 मिनट वेट करें। ओके, तो इसके 5 छोटे से रूल्स हैं। वो ये कि पहला रूल ये है कि कोई भी जो आप वेरिएबल बनाओगे या आइडेंटिफायर बनाओगे, मतलब क्लास का नेम या कुछ भी, वो क्या देखो, जब क्लास का नेम अपर केस से स्टार्ट होता है दैट इज स्टैंडर्ड। सही है, इसमें आपको एरर नहीं आएगा अगर छोटे अल्फाबेट से स्टार्ट करोगे। सही है, तो ये चीजें जो होती है ना स्टैंडर्ड, वो समझने के लिए होती है। जैसे ऑब्जेक्ट्स नॉन नल वैल्यू, हमने समझ लिया कि ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाई गई है, तो हम समझ गए भाई ये क्लास है, ये मेथड था नेम है। सही है, लेकिन इसमें बेसिकली जो रूल्स हैं, अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो एरर आएगा, स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करोगे तो एरर नहीं आएगा। कोड पढ़ने में मुश्किल होगी लेकिन एरर नहीं आएगा। सही है, देयर इज अ डिफरेंस इन स्टैंडर्डाइजेशन और रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके ऑलराइट, अच्छा सबसे पहली चीज कि हम वेरिएबल बनाते हुए कौन कौन सी कीबोर्ड्स के जो बटन्स हैं, कौन सिंबल्स हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लोअर ए टू जेड, अपर ए टू जेड, 0 to 9, डॉलर साइन और अंडरस्कोर साइन, ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और साइन दे दी एरर आ जाएगा, एक चीज। दूसरी, आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विद नंबर। सही है, शुड नॉट स्टार्ट विद नंबर मतलब कि भाई वो स्टार्ट नंबर से ना हो, मतलब अगर वेरिएबल का नाम है 123 जावा तो वो एरर आएगा, लेकिन अगर जावा 123 करोगे तो वो एरर नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? ओके, वी कैन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू केस, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है, तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है,
अगर एक वेरिएबल का नाम मैं इस तरह से नंबर रख रहा हूँ, दूसरे वेरिएबल का नाम इस तरह से नंबर रख रहा हूँ, तीसरे वेरिएबल का नाम इस तरह से नंबर रख रहा हूँ, पढ़ने में तीनों नंबर होंगे लेकिन लिखने में नंबर 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 तीनों अलग वेरिएबल्स होंगे, इट विल बी पॉसिबल क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल इज नॉट अलाउड। सही है, ये तीसरी नंबर। चौथी नंबर जो रूल है, रूल नहीं है वो, बेसिकली ये इंफॉर्मेशन है कि नो लिमिट फॉर कैरेक्टर लेंथ इन द नेम, मतलब कि आप 50,000 कैरेक्टर लिख लो उसके नाम के अंदर, वेरिएबल के नाम के अंदर, तो कोई इश्यू नहीं होगा, जावा विल रन इट, बट दिस इज द नॉट स्टैंडर्ड। पांचवा नंबर जो है वो रूल है दैट कैंट यूज रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे नाम जो ऑलरेडी जावा में, जावा के प्री डिफाइंड यूज हो रहे हैं, जैसे इफ हो गया, जैसे एल्स हो गया रिजर्व वर्ड के अंदर, जैसे ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, सही है, जैसे क्लास हो गया CLASS, ये क्लास जो है ये रिजर्व वर्ड है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, ये जरा लिख लें पांचों चीजें। इन पांचों में से ब्रैकेट में देते जाइएगा कि भाई नंबर पहला जो है वो रूल है, जो दूसरा नंबर है वो रूल है, जो तीसरा नंबर है वो भी रूल है, जो पांचवा नंबर है वो भी रूल है, जो चौथा नंबर है वो इंफॉर्मेशन है, वो कोई रूल नहीं है, उसको आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हो, भाई 5 करेक्टर, 10 करेक्टर, 15 करेक्टर। पहला रूल ये है कि बेसिकली जब आप वेरिएबल का नाम लिख रहे हो, सही है, लेट सपोज आपने वेरिएबल का नाम लिखा जावा, JAVA, सही है, उसके अंदर A to Z ये वाला तो आ गया। इन रूल्स में से पहले रूल का मतलब ये है कि जो आप वेरिएबल का नाम लिखोगे उसमें सिर्फ ये करेक्टर्स आ सकते हैं, लेट सपोज आपने ब्रैकेट की निशानी दे दी वेरिएबल में तो एरर आ जाएगा, समझ रहे हैं? मतलब A to Z छोटी अल्फाबेट का कुछ भी लिख लें, बड़ी A to Z छोटी बड़ी अल्फाबेट का कुछ भी लिख लें, 0 से 9 नंबर कुछ भी लिख लें, डॉलर की साइन कहीं भी दे दें, अंडरस्कोर की साइन कहीं भी दे दें, चल जाएगा, वो वेरिएबल का नाम वैलिड होगा, सही है। लेकिन अगर उसके अलावा कीवर्ड का कोई आपने और दे दिया, भाई कोई फंक्शन की दे दी, कोई लेमडा दे दी, कोई आपने एक्सक्लेमेशन साइट दे दी, अंडरस्कोर दे दिया, एरर आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ये इसको साइड में भले आप लिख लें कि पॉसिबल करेक्टर्स टू यूज, सही है, इसके अलावा करेक्टर्स जो है वो यूज नहीं कर सकते। ओके, ऑलराइट, इसकी हम बेसिकली प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन अभी जो है टाइम वो है, अच्छा इसको भी हम बाद में देखेंगे, जरा एक छोटी सी एक्सरसाइज कर देते हैं फिर हम क्लास को एंड करते हैं। अच्छा, अब ये 5 रूल्स आपने लिख लिए, ये हम सेकंड क्लास में फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ से हम यहाँ और फिर यहाँ फिर यहाँ। अच्छा, एक्सरसाइज जरा हम कर लेते हैं ताकि सेशन इंटरेक्टिव हो जाए। अब इनमें से मुझे बताएं वैलिड आइडेंटिफायर्स कौन से हैं, सही है। अब ये 10 आइडेंटिफायर्स हैं, इन 10 को देख के बताएं कि कौन कौन से आपको वैलिड लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप इस वक्त जो है 8 नंबर को छोड़ सकते हैं, इस वक्त 8 नंबर को छोड़ दें, क्योंकि वो रूल पीछे अभी हमने पढ़ना है, वो एक वो इस ये वाला जो है ना, इस ये वाले इसमें हम डिफाइन करेंगे, ये वाला आप मुझे बता दें, 8 नंबर को छोड़ के बाकी बता दें। आप अपने पास नंबर्स लिख लें, फिर हम नंबर देखते हैं कौन कौन सा वैलिड है, मतलब 1, 2, 3, 9, 10, 11 किस तरह करते हैं। आप अपने पास कॉपी पे नंबर्स लिख लें, सिर्फ एक एक देख के जाएं और सिर्फ नंबर्स नोट करके जाएं आप।
आठ नंबर को छोड़ के बाकी 1 से 10 तक नंबर्स लिख लें आप। ओके अच्छा, आपने नंबर कौन कौन से लिखे हैं मुझे नंबर बताएं। 1 1 लिखा है, क्या कह रहे हैं? कौन कौन से नंबर्स लिखे आपने वैलिड आइडेंटिफायर्स के लिए? हाँ, 1 के बाद 4, ओके, 5, 1 4 5 7 9 10, ओके, 1 सही है, 4 सही है, 5 सही है, 7 सही है, 8 को हमने छोड़ा था, 9 सही है, 10 गलत है आपका। क्यों? क्योंकि इंट इंट इज अ रिजर्व वर्ड ऑफ जावा, पता है आपको? नहीं, हम इंट यूज करते हैं, INT, सही है। 8 नंबर जो है हम आगे इसको कर लेंगे, डिस्कस करेंगे।